हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आंगन पब्लिक स्कूल। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट रिवीजन इन अवर मैरीगोल्ड वर्कबुक। लास्ट लेक्चर हमने पेज नंबर 57 और यूनिट 4 के जो पोयम है उसके ऑप्शन तक कंप्लीट किया था। आज हम उसका लेसन के ऑप्शन देखेंगे। नंबर 1, वो वाज सुनो सुनो। ए एन एंट, बी अ स्नेल, सी एन अर्थवर्म या डी अ फ्रॉग। तो आंसर आएगा बी अ स्नेल। सुनो सुनो क्या था? स्नेल था एक। नंबर 2, वो वाज सुनो सुनो विजिटिंग। ए एंट्स, बी स्नेल्स, सी फिश या डी अर्थवर्म। तो आंसर आएगा ए एंट्स। नंबर 3, द एंट्स डैश ऑल ओवर सुनो सुनो। ए जंप्ड, बी डांस्ड, सी रैन या डी क्लाइंब। तो आंसर आएगा डी क्लाइंब। नेक्स्ट, सडनली डैश क्रैश थ्रू द क्लाउड। ए विंड, बी लाइटनिंग, सी रेन या डी सन। तो आंसर आएगा बी लाइटनिंग। नंबर 5, वेयर वर द एंट्स हाइडिंग। ए इन द हॉल, बी इन द ट्री, सी अंडर अ फ्लावर पॉट या डी अंडर अ स्टोन। तो आंसर आएगा सी अंडर अ फ्लावर पॉट। नंबर 6, द एंट्स टोल्ड सुनो सुनो टू डैश होम। ए हरी, बी वरी, सी सॉरी या डी स्करी। तो आएगा ए हरी। नंबर 7, वेयर वॉज सोनू सोनूज मदर सिटिंग। सोनू सोनू की मम्मा कहाँ बैठी थी? ए ऑन अ स्टोन नियर द वेल, बी अंडर अ स्टोन नियर द वेल, सी अंडर अ स्टोन नियर द ट्री या डी अंडर अ स्टोन नियर द होल। तो आंसर आएगा बी अंडर अ स्टोन नियर द वेल। नंबर 8, सुनो सुनो हर्ड द विंड डैश। तो आएगा ए ब्लो, बी श्वे, सी फ्लैश या डी फॉल। तो आंसर आएगा ए ब्लो। नंबर 9, सुनो सुनो सो ट्रेस डैश शे शे। तो ए ब्लो, बी फॉल, सी स्वे या डी फ्लैश। तो आंसर आएगा सी शे। नंबर 10, सुनो सुनो सो लाइटनिंग डैश जैग जैग। ए ब्लो, बी से, सी फॉल या डी फ्लैश। आंसर आएगा डी फ्लैश। नंबर 11, सुनो सुनो हर्ड थंडर डैश गड़म गड़म। ए ब्लो, बी रोल, सी फ्लैश या डी शे। तो आंसर आएगा बी रोल। नंबर 12, सुनो सुनो हर्ड रेन डैश सीटा सीटा पिटा पिटा। ए फ्लैश, बी रोल, सी शे या डी फॉल। तो आंसर आएगा डी फॉल। नंबर 13, सुनो सुनो हर्ड वाटर डैश प्लिप प्लिप। ए फ्लैश, बी रोल, सी ड्रिप या डी फॉल। तो आंसर आएगा सी ड्रिप। नंबर 14, सुनो सुनो डिड नॉट गेट वेट बिकॉज। ए ही हाइड इन द हिज शेल, बी ही हैड एन अम्ब्रेला, सी ही सैट अंडर अ ट्री या डी ही हाइड अंडर अ फ्लावर पॉट। तो आंसर आएगा ए ही हाइड इन हिज शेल। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे हैं ऑन पेज नंबर 74 पे। नंबर 1, डू नॉट मेक फन ऑफ द कैमल्स डैश। ए नेक, बी हम, सी लेग्स या डी टेल। आंसर आएगा बी हम। नंबर 2, द डैश इज प्राउड ऑफ हिज नोबल बम। ए मंकी, बी एलिफेंट, सी लायन या डी कैमल। तो आंसर आएगा डी कैमल। नंबर 3, डू नॉट लाफ एट द डैश। ए चिंपांजी, बी कैमल, सी पेंगुइन्स या डी मंकी। आंसर आएगा ए चिंपांजी। नंबर 4, द चिंपांजी थिंक्स ही इज एज डैश एज यू और मी। ए ओल्ड, बी क्लेवर, सी वाइस या डी नाइस। तो आंसर आएगा सी वाइस।
Number 5. The desk can understand the remarks you make. A. Camels. B. Monkeys. C. Chimpanzees. Or D. Penguins. The answer is D. Penguins. Next option हमारे पेज नंबर 82 पे है. नंबर 1. वो वॉज फनी बनी. ए अ रैबिट. बी अ फॉक्स. सी अ गूस. या डी अ हैन. आंसर ए अ रैबिट. नंबर 2. हैनी पैनी वॉज अ डैश. ए अ रैबिट. बी अ फॉक्स. सी अ गूस. या डी अ हैन. आंसर आएगा डी अ हैन. नंबर 3. वो वॉज कॉकी लॉकी. ए अ रैबिट. बी अ कॉक. सी अ फॉक्स. या डी अ हैन. आंसर आएगा बी अ कॉक. नंबर 4. लकी डकी वॉज अ डैश. ए अ हैन. बी अ फॉक्स. सी अ डक. डी अ कॉक. आंसर आएगा सी अ डक. नंबर 5. व्हाट वॉज द गूस कॉल्ड. ए लकी डकी. बी फनी बनी. सी हैनी पैनी. या डी पुजी गुजी. तो आंसर आएगा डी पुजी गुजी. नंबर 6. फॉक्सी फॉक्सी वॉज अ डैश. ए अ रैबिट. बी अ फॉक्स. सी अ गूस. या डी अ हैन. आंसर आएगा बी अ फॉक्स. नंबर 7. व्हाट फेल ऑन फनी बनी. ए स्काई. बी अ बॉल. सी अ नट. या डी एन एप्पल. आंसर आएगा सी अ नट. नंबर 8. फनी बनी थॉट द डैश वॉज गोइंग टू फॉल. ए ट्री. बी स्काई. सी मून. या डी नट. तो आंसर आएगा बी स्काई. नंबर 9. फनी बनी वॉन्टेड टू टेल डैश. ए द किंग. बी द फॉक्स. सी द हैन. या डी द गूस. तो आंसर आएगा ए द किंग. नंबर 10. डैश किल्ड ऑल द एनिमल्स. ए फनी बनी. बी हैनी पैनी. सी कॉकी लॉकी. या डी वॉक्सी फॉक्सी. तो आंसर आएगा डी वॉक्सी फॉक्सी. ओके, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन का जो क्वेश्चन था उसका रिवीजन यहाँ पे ख़त्म होता है. आपका क्वेश्चन नंबर 1B होगा करेक्ट द मिस्टेक एंड रीराइट द सेंटेंस ऑन पेज नंबर 11. पेज नंबर 11 पे आपको जो क्वेश्चन दिया है करेक्ट द मिस्टेक एंड रीराइट द सेंटेंस, ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 1B. तो देखते हैं व्हाट इज जय डूइंग. तो मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी भी बता रही हूँ कि कोई भी सेंटेंस हो उसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो ऑलवेज कैपिटल होता है. तो आपको फर्स्ट लेटर ऑलवेज कैपिटल करना है और लास्ट में अगर क्वेश्चन पूछा है तो क्वेश्चन मार्क लगाना है, अगर क्वेश्चन नहीं पूछा है तो फुल स्टॉप लगाना है. कोई भी मंथ के नेम हो, कोई भी गर्ल या बॉय के नेम हो, कोई एनिमल का नेम हो या मंथ के नेम, डेज के नेम हो, तो उसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो ऑलवेज कैपिटल आता है. ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है तो आपके लिए ये क्वेश्चन इजी हो जाएगा. तो देखते हैं. नंबर 1. आई एम अ गुड बॉय. तो आई कैपिटल आएगा और लास्ट में फुल स्टॉप आएगा. नंबर 2. टुडे इज संडे. तो टुडे का टी कैपिटल आएगा और संडे डे का नेम है तो एस कैपिटल आएगा और लास्ट में फुल स्टॉप आएगा. नंबर 3. राज इज प्लेइंग. तो फर्स्ट राज का आर कैपिटल आएगा और लास्ट में फुल स्टॉप आएगा. नंबर 4. व्हाट डू यू लर्न इन स्कूल. तो व्हाट से आपको क्वेश्चन पूछा है और फर्स्ट लेटर आपको कैपिटल करना है और क्वेश्चन पूछा है इसलिए आपको पीछे क्वेश्चन मार्क लगाना है. नंबर 5. दिस इज माई बुक. तो दिस का टी कैपिटल आएगा और लास्ट में फुल स्टॉप आएगा. और आपको दिए हैं पेज नंबर 28 पे. ज़रूरी नहीं है आपकी बुक से ये सेंटेंस आए, ये सेंटेंस बाहर के भी आ सकते हैं. सेंटेंस चेंज होगा, आपको सिर्फ जो सेंटेंस में मिस्टेक है उसको ही करेक्ट करके उसको फिर से लिखना है. ओके, इसमें नंबर 1 देखते हैं. सी इज माई सिस्टर. तो सी का एस कैपिटल आएगा, लास्ट में फुल स्टॉप आएगा. नंबर 2. वाई आर यू क्राइंग. आप क्यों रो रहे हो. तो वाई से क्वेश्चन पूछा है तो डब्ल्यू कैपिटल आएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा. नंबर 3. जय एंड राज आर फ्रेंड्स. तो मैंने आपको बोला था किसी का भी नेम हो तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा, तो जय का जे कैपिटल आएगा एंड राज का आर कैपिटल आएगा. जय एंड राज आर फ्रेंड्स एंड लास्ट में फुल स्टॉप आएगा. नंबर 4. व्हाट डू यू वांट. तो व्हाट का डब्ल्यू कैपिटल आएगा और व्हाट से क्वेश्चन पूछा है तो लास्ट में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा. नंबर 5. दैट इज आवर स्कूल. ये हमारी स्कूल है तो दैट का टी कैपिटल आएगा और लास्ट में फुल स्टॉप आएगा. तो ये है हमारा क्वेश्चन 1B. ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन 2.
क्वेश्चन टू ए जो आपका है वो आएगा लुक एट द पिक्चर एंड राइट द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स. आपको बॉक्स में कुछ वर्ड दिए हैं होंगे और नीचे पिक्चर दिए होंगे, वो वर्ड को आपको पिक्चर के साथ मैच करके लिखना है. ओके तो फर्स्ट यहाँ पे ये बॉय दिया है वो खुश है, तो यहाँ से ब्रैकेट देखते हैं पहले. हैप्पी, सैड, एंग्री, सरप्राइज्ड, शे, स्कैंड. ये बॉय कैसा है? हैप्पी. तो आपको यहाँ पे लिखना है हैप्पी. ये गर्ल है एंग्री, तो आपको यहाँ पे लिखना है एंग्री. ये गर्ल सैड है, तो आपको यहाँ पे लिखना है सैड. ये बॉय है वो सरप्राइज्ड हो गया है, तो आपको यहाँ पे लिखना है सरप्राइज्ड. नंबर फाइव पे ये बॉय है वो स्कैड है, तो आपको यहाँ पे लिखना है स्कैड. और नंबर सिक्स पे ये गर्ल जो है वो है शे, तो आपको लिखना है शे. नेक्स्ट आपको दिया है ऑन पेज नंबर सेवन. पहले बॉक्स देखते हैं. सिटिंग, स्टैंडिंग, रनिंग, जंपिंग, स्कीपिंग, वॉकिंग, ओपनिंग, क्लोजिंग, थ्रोइंग, कैचिंग, रीडिंग, कटिंग, राइटिंग, ईटिंग, ड्रिंकिंग, पुलिंग, पुशिंग, किकिंग, डांसिंग, सिंगिंग, क्लैपिंग, लाफिंग एंड राइडिंग. नंबर वन में ये बॉय खड़ा है, तो इसको क्या बोलते हैं? स्टैंडिंग. सो राइट ईयर स्टैंडिंग. ये बॉय जंप कर रहा है, तो यहाँ पे लिखो जंपिंग. ये बॉय चल रहा है यानी वॉकिंग. ये बॉय बॉल को फेंक रहा है यानी थ्रोइंग. ये बॉय है वो बॉल को कैच कर रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे कैचिंग. ये गर्ल बुक रीड कर रही है, तो आएगा रीडिंग. ये बॉय खाना खा रहा है यानी ईटिंग. ये गर्ल पानी पी रही है यानी ड्रिंकिंग. ये बॉय बॉल को किक कर रहा है, तो किकिंग. टेन नंबर पे ये बॉय गाना गा रहा है यानी सिंगिंग. इलेवन नंबर पे ये गर्ल जो है वो बैठी हुई है यानी सिटिंग. ट्वेल्व नंबर पे ये बॉय दौड़ रहा है यानी रनिंग. थर्टीन नंबर पे ये बॉय लिख रहा है यानी राइटिंग. एंड फोर्टीन नंबर पे यहाँ पे ये गर्ल्स डांस कर रही है यानी डांसिंग. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन टू ए तक का रिवीजन खत्म हो रहा है. नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे आगे के रिवीजन के साथ. तब तक बाय बाय.